हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। कल हमने ब्रायोफाइट्स की बेसिकली कैटेगरीज क्लासेस को हमने कर लिया था। सी, ये जो ब्रायोफाइट्स मैं आपको करवा रही हूँ, इसकी क्लासेस या एल्गी की क्लासेस कराई, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। जो सब एनसीईआरटी में दी है वही सब मैंने आपको दिया। If you want to read extra, you can comment and I can make different videos on them. Okay. So basically, bryophytes are having two classes, two subclasses, that is liverworts and mosses. Uske ek aur class hoti hai, that is known as the hornworts. Hornworts is not included in the NCERT and thus it is not included in your this video lecture. Let us go to the next slide. Liverworts. Liverworts का नाम liverworts क्यों है? क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, जैसे ये ग्रो करती है, लिवर लाइक शेप में ग्रो करती है, इसलिए इनको liverworts बोला जाता है। Liverworts ग्रो यूजली इन मॉइस्ट मतलब गीला, शेडी मतलब शेड जहां पे धूप ना आती हो, सच एज शेडी हैबिटेट्स such as banks of streams. Stream की साइड में जो खाली जगह रहती है, कोई भी वॉटर स्ट्रीम है, that can be a river, that can be you know a lake also, या कहीं से भी जहां पे पानी बहता है उसके साइड में जो खाली जगह रहती है, the bank of the stream में ये liverworts है वो ग्रो कर जाते हैं। Marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in woods. Marshy ground मतलब दल दल, जहां पे दल दल होता है, basically the methane gas की वजह से जो हमारा soil है वो बहुत ज्यादा marshy हो जाता है, वहां पे भी liverworts grow हो जाते हैं। गीले soil के ऊपर भी grow हो जाते हैं, bark of the trees के ऊपर भी grow हो जाते हैं। अब bark of the trees भी तो गीले होते हैं, ठीक है, rainy season में वो गीले हो जाते हैं, या फिर हम जब भी पार्क ऑफ ट्रीज को पानी देते हैं तो वो गीले हो जाते हैं। एंड डीप इन द वुड्स, फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा डीपली, ठीक है, वुड्स में ये फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉयड। देखो, हमने पढ़ा था एल्गे में भी प्लांट की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है, थैलॉयड होता है। वैसे ही जो liverworts होते हैं उनमें भी बॉडी थैलॉयड ही होती है, बट उनका जो थैलॉयड होता है बेसिकली that is more advanced in comparison to algae. Now, इनका जो thallus होता है, thallus is dorsiventral and closely abscessed to the substrate. जो इनका thallus है वो dorsiventral होता है and SM. Dorsiventral का मतलब वो खड़ा नहीं होता, वो लेटा होता है, उसकी जो डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस है वो ग्राउंड को टच करती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता सबस्ट्रेट से, जिसके भी ऊपर ये ग्रो करता है उससे ज्यादा ऊपर ये नहीं हो पाता। द लीफी मेम्ब्रेन्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। जो लीफी मेंबर्स होते हैं, जो liverworts के लीफी मेंबर्स मतलब जिनमें लीव्स ग्रो करती हैं, इनमें छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं, छोटे छोटे एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जो दो रोज में ग्रो करते हैं, जिनको स्टेम लाइक जो दो रोज में ग्रो करते हैं स्टेम के ऊपर। स्टेम तो होती नहीं है बेसिकली, इनकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बोला जाता है इसलिए इनको। नाउ रिप्रोडक्शन। अब देखो, आपने जो ये liverwort की डायग्राम देखी थी, ये वाली, इसी डायग्राम को जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, दिस इज अ liverwort। liverwort के ऊपर ना गैमा कप होते हैं, गैमा कप ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज अ गैमा कप, एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है बेसिकली दिस पार्ट इज नोन एज गैमे। ये गैमे क्या करता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। दिस इज द गैमे
एंड गैमेट ग्रो कहाँ पे करते हैं? गैमेट ग्रो करते हैं इनसाइड द गैमा कप, दिस इज द गैमा कप बेसिकली, ठीक है, ये सारा जो हमारा है गैमा कप है, एंड ये है जो हमारा, दिस इज द थैलस, ठीक है, अब समझ आ गया, थैलस के ऊपर गैमा कप, गैमा कप के अंदर गैमी, एंड गैमी क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे। बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, देखो थैलाई मतलब कि इसके थैलस के पार्ट का, थैलस का कोई भी पार्ट टूट के डिफर हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से ग्रो कर जाता है। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमे, गैमे का सिंगुलर क्या है? गैमा। अगर ये दो है तो हम बोलेंगे गैमे, और अगर ये सिंगल है तो उसको बोलेंगे गैमा, ठीक है, गैमा। गैमा है जो गैमे कप में ग्रो करते हैं, वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन कलर के हैं, वो तो हमें दिख ही रहा है। मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से नहीं बने, बहुत सारे सेल से बने हैं, इसलिए दीज आर मल्टी सेलुलर। एसेक्सुअल बर्ड्स, दीज आर द बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको क्या बोला गया? एसेक्सुअल बर्ड्स। अब ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? रिसेप्टिकल्स, जबकि कप शेप्ड रिसेप्टिकल्स के अंदर ग्रो करते हैं, जिसको हम गैमा कप बोलते हैं। ऑन द थैलाई, थैलाई मतलब लिवर वॉट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, इसीलिए ऑन द थैलाई। अब द गैमे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स। गैमे क्या करते हैं? गैमे ये जैसे बर्ड है, बर्ड का हमने पढ़ा था कि बर्ड ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो बॉडी से अलग हो जाता है, वैसे ये जब गैमा कप है, ये जो गैमा कप जब डिफरेंट हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से, तो एक न्यू फुल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिवर वॉट्स का पढ़ लिया, लिवर वॉट्स की एग्जांपल पढ़ ली मार्केंशिया, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो सकती है, या बडिंग, बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर्स गैमा होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्स ऑर्गन्स की हेल्प से होती है, ठीक है, स्पोर्स वगैरह की हेल्प से नहीं होती, बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स से होती है, सेक्स ऑर्गन के अंदर वो उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होती है। लेट अस रीड इट इन डिटेल। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो या तो सेम थैलाई पे ग्रो कर सकते हैं, सेम एज इन द केस ऑफ मोनोइशियस प्लांट, डाइशियस प्लांट, एंड डिफरेंट इन द केस ऑफ डाइशियस प्लांट, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो मेल थैलाई, जैसे कि ये क्या है, ये डिफरेंट है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल थैलस है ये लिवर वॉट का फीमेल थैलस है। सेक्स ऑर्गन्स के नाम हमने ऑलरेडी कल पढ़े ही थे, दैट वॉज ऊगोनिया एंड आर्केगोनिया, और सॉरी एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। जहां पे एंथ्रीडियम फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम मेल गैमेटोफाइट, जहां पे आर्केगोनियम फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। जो स्पोरोफाइट होता है, देखो स्पोरोफाइट की बात वैसे बाद में आएगी, अब हमने पढ़ा था, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि आर्केगोनिया में एग होती है, एंथ्रीडियम में स्पर्म होता है, ये दोनों फ्यूज करके पानी में फ्यूज करते हैं, और पानी में फ्यूज करने की हेल्प से ये जायगोट बनाते हैं, जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है, अलग नहीं होता है, वहां से ही वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वहां से ही वो स्पेस ले रहा है, वहां से ही उसको सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट, वो डिफर होता ही नहीं है, वो सेपरेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट कौन कौन से हैं? फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। एंड स्पोरोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्स्यूल के अंदर। स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द कैप्स्यूल, ठीक है।
अब देखो हमने देखा गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का काम क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूस करना। गैमेट्स क्या होते हैं, एग एंड स्पर्म। एग कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द आर्किगोनियम, स्पर्म विल बी प्रोड्यूस्ड इन द एंथ्रीडियम। ठीक है, दीज आर द बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स जिसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब गैमेट्स प्रोड्यूस होते क्यों है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं टू फ्यूज। अब ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ये फ्यूज करके एक जायगोट बनाते हैं। जो जायगोट होता है बेसिकली वो जायगोट स्पोरोफाइट बना लेता है। स्पोरोफाइट इज अ पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, मतलब वो न्यूट्रिशन एंड जो स्पेस है वो कहां से लेता है, गैमेटोफाइट से लेता है, इसलिए स्पोरोफाइट को पैरासाइट बोला जाता है गैमेटोफाइट का। स्पोरोफाइट के थ्री पार्ट्स होते हैं, एग, फुट एंड कैप्सूल, सॉरी फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस के बाद स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल के जहां पे भी जर्मिनेट करते हैं वहां पे क्या हो जाता है, एक लिवर वॉट, न्यू फॉर्म ऑफ जो ब्रायोफाइट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। इस टाइप से इसकी क्या हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब देखो मॉसिस, मॉसिस के बारे में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी दो लाइफ स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है वो जुवेनाइल स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोनीमा स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज और एडल्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज द प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। जो मॉसेस है, मॉसेस में टू स्टेजेस पाई जाती हैं, और इसमें भी जो प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज है दैट इज ऑफ गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट का मतलब मेन पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इज ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ही उसका मेन पार्ट है। प्रोटोनीमा स्टेज, इट डिवेलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, एक स्पोर है, एक स्पोर डिवेलप करके ग्रो करने के बाद प्रोटोनीमा स्टेज बना रहा है। प्रोटोनीमा स्टेज इज द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये जो प्रोटोनीमा स्टेज है ये क्रीप करने वाली स्टेज है, ग्रीन स्टेज है, ब्रांच्ड है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर ग्रोन फिलामेंटस। ठीक है, क्रीपिंग मतलब ये प्रोस्टेट नहीं है, ये खड़े होने के काबिल नहीं है, ये क्रीप करती है। नाउ नेक्स्ट इज लीफी स्टेज, इट डिवेलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, they consist of upright slender axils bearing spirally arranged leaves, they are attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. Now what does that mean, humne padha hi tha प्रोटोनीमा स्टेज इज द जुवेनाइल स्टेज एंड ये जो है दैट इज द लीफी स्टेज। ये सेकेंडरी हमारे पास प्रोटोनीमा स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा की हेल्प से उसमें एक लेटरल बड निकलता है, एक बड अराइज होता है लेटरली साइड पे। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves, ठीक है, upright slender axils being bearing spirally arranged leaves, spiral shape में इसमें leaves होने चाहिए, okay? They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids
दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। जो लीफी स्टेज होती है वो एडल्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स होती है, ठीक है। नाउ वॉसेस में भी दो टाइप से रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा का कोई भी पार्ट है वो डिवाइड करके सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा, एंड देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा से हमारे पास एडल्ट स्टेज आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द थिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द एंथ्रेडिया। सेम, एंथ्रेडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्केगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। जो हमारे शूट्स हैं वो बहुत सारे लीव्स के बने हुए हैं, लीफी है, ठीक है। उसके एपेक्स पे, उसके बिल्कुल एपिकल टिप पे, बिल्कुल टिप पे क्या होते हैं, एंथ्रेडिया एंड आर्केगोनिया होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवेलप्स टू अ स्पोरोफाइट हैविंग अ फुट सीटा एंड कैप्स्यूल। ये जो जायगोट है, जायगोट, जायगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट बनता है। हमारे पास जो स्पोरोफाइट होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज द फुट, द सीटा एंड द कैप्स्यूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट्स। अब हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स की दो क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस की क्लासिफिकेशन है, किसी बेस पे तो इन्होंने की होगी। वो बेसिस क्या है, वो बेसिस ये है कि जो लिवर वॉर्ट्स होते हैं, बेसिकली द लिवर वॉर्ट्स आर प्रिमिटिव एंड द स्पोरो, जो जो मॉसेस हैं दे आर एडवांस्ड। एक तो ये डिफरेंस हो गया प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड का। नेक्स्ट फीचर इज दैट मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल। जो स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो भी ज्यादा एडवांस्ड है। एंड कैप्स्यूल में बिल्कुल एज इन द केस ऑफ लिवर वॉट्स, कैप्स्यूल के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोसिस। कंपैरेटिवली हमने देखा था हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था एल्गे, देन हमने पढ़े ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने पहले पढ़ा लिवरवॉर्ट्स, ओके लेट मी राइट इन कैपिटल लिवरवॉर्ट्स, एंड देन लिवरवॉर्ट्स एंड देन मॉसेस। लिवरवॉर्ट्स वर प्रिमिटिव एंड द मॉसेस वर एडवांस्ड। मैंने ये बताया कि जो भी हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में ही बेसिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो द एंथ्रेडिया एंड द आर्केगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। लीफी शूट मतलब एडल्ट स्टेज की एपेक्स पे, टिप पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। सेक्स ऑर्गन में स्पर्म एंड एग फॉर्म होती है। स्पर्म एंड एग क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट फॉर्मेशन होती है। जायगोट है जो हमारा, दैट इज हैविंग दैट डिवेलप्स अप इनटू द स्पोरोफाइट, एंड द स्पोरोफाइट इज हैविंग फुट सीटा एंड कैप्स्यूल। जो स्पोरोफाइट है हमारे, बेसिकली द स्पोरोफाइट इज हैविंग थ्री पार्ट्स, द फुट, द सीटा एंड द कैप्स्यूल। अब यहाँ पे हमें स्पोरोफाइट की डायग्राम भी इन्होंने दिखाई हुई है। दिस इज द कैप्स्यूल पार्ट, दिस इज द सीटा पार्ट। सीटा जो स्टॉक होती है उसको सीटा बोलते हैं, एंड जहां से हमारा जो स्पोरोफाइट है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं फुट। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन लिवर वॉर्ट्स। लिवर वॉर्ट्स के कंपैरेटिवली मोर क्लियरली डिस्टिंक्टिव होता है, थोड़ा एडवांस दिखता होता है, थोड़ा सुंदर होता है। कैप्स्यूल के अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स मियोसिस के बाद फॉर्म होते हैं। स्पोर्स अगर मियोसिस के बाद फॉर्म होते हैं तो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। मॉसेस के पास काफी एडवांस तरीका होता है
जिसकी हेल्प से वो स्पोर डिस्पर्सल करते हैं। स्पोर्स को बाहर निकालने का, डिस्पर्स करने का इनका जो फॉर्म होता है वो काफी एडवांस होता है। मॉसेस के एग्जांपल बहुत ज्यादा ही क्लियर है, दैट इज फनेरिया, स्फैगनम। स्फैगनम क्या है? स्फैगनम को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, पीट मॉस भी बोला जाता है स्फैगनम को, पीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैगनम, पीट मॉस, बॉग मॉस, एंड पैकिंग के लिए भी स्फैगनम यूज किया जाता है, पॉलीट्राइप, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस। एंड लिवरवॉर्ट्स की क्या एग्जांपल थी? लिवरवॉर्ट्स की एग्जांपल थी मार्कैंशियो। नाउ द टेरिडोफाइट्स, अब हम नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम पे पहुंच चुके हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कवर अप किया एल्गी। एल्गी के अंदर हमने कितनी क्लासेस पढ़ी? 3 क्लासेस। देन हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स, एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने दो क्लासेस पढ़ी। नाउ मैंने बोला था जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे इवोल्यूशन होती जाएगी। टेरिडोफाइट्स आर मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स। इसके अंदर हम कितनी क्लासेस पढ़ने वाले हैं? बेसिकली द 3 क्लासेस। लेट अस नाउ रीड अबाउट द टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स दे इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। देखो टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती है ना, दे आर जस्ट लाइक हेयर्स, ठीक है। आप ये देख सकते हो हॉर्स टेल, इसको हॉर्स टेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये बिल्कुल घोड़े की पूंछ की तरह दिखते हैं। इसके ऊपर जो स्टेम होता है ना, बेसिकली स्टेम के ऊपर लीव्स ग्रो करती हैं, एंड लीव्स ग्रो इन सच अ वे दैट दिस इज लुकिंग लाइक अ हॉर्स टेल। दैट्स व्हाई इस पूरी क्लास का नाम इन्होंने हॉर्स टेल रख दिया। And ferns. Ferns क्या होते हैं? Ferns are decorative. ये ferns जो है अपने marriage palaces में बहुत ही commonly, या कोई भी beautiful place होती है, hotels होते हैं, restaurants होते हैं, वहाँ पे ये ferns gardens में भी बहुत ही commonly grow हुए होते हैं, उन्होंने grow किए होते हैं। Ferns are very beautiful plants. अब आपको पता चल रहा है हम कैसे बढ़ रहे हैं evolution में। एल्गी में हमने माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइट्स में थोड़े छोटे 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 दिखने वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम फाइनली आंखों से दिखने वाले प्लांट्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है, जो हमें विजिबली, जो हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स। ब्रायोफाइट्स क्या थे? एम्फीबियंस। अब टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, ये चीज मैं लिख देती हूँ, दीज आर reptiles of the plant kingdom, ठीक है, reptiles of the plant kingdom क्यों? अब amphibians में क्या था? amphibians में था कि उनको reproduction करने के लिए एक watery state चाहिए, लेकिन reptiles में ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो सब कुछ कर लेते हैं land पे रह के। चलो, they are found in cool, ठंडी जगह पे, damp, moist जगह पे, shady place पे, and sandy soil conditions में भी पाए जाते हैं। Now a very 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 important question: what were the first terrestrial plants? First terrestrial plants भी क्या थे? Pteridophytes थे। First plants to possess vascular tissues भी हमारे pteridophytes थे, ठीक है? Xylem and phloem दोनों ही pteridophytes में पाया जाता है। This is a lot of important information for you, ठीक है? देखो, bryophytes में हमारे पास dominant phase क्या था? Gametophyte। Pteridophytes में हमारे पास dominant phase जो है वो sporophyte है। ब्रायोफाइट्स की जो
बॉडी थी बेसिकली वो हैप्लॉइड थी, है ना। टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी है दैट इज डिप्लॉइड, और ये जो बॉडी है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स इसमें है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या थे, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, ट्रू नहीं था कुछ भी। टेरिडोफाइट्स में अब ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आ चुकी हैं। दीज ऑर्गन हैव वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, इन ऑर्गन्स में मतलब कि प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू है जो भी एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। इसीलिए ये प्लांट टेरेस्ट्रियल हुए हैं, इसीलिए ये प्लांट वाटर से बाहर निकले हैं, ठीक है, एंड सक्सेसफुल फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला, ये हमारा स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला की लीव्स बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, और लार्ज एज इन फर्न्स, फर्न्स में जो होती हैं लीव्स दे आर कंपैरेटिवली लार्ज। तो टेरिडोफाइट्स में स्मॉल लीव्स भी हो सकती है एंड लार्ज लीव्स भी हो सकती है एज इन केस ऑफ फर्न्स, ठीक है। जिनके पास स्मॉल लीव्स है उनको हम बोलेंगे माइक्रोफिल्स, एंड जिनके पास लार्ज लीव्स है उनको हम बोलेंगे मैक्रोफिल्स। नाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है, जड़ी बूटियां जो हम एस्पैरगस, ड्रायोपटेरिस, एक्टिनोपटेरिस, ठीक है, ये ऑर्नामेंटल भी हैं। एस्पैरगस का नाम तो आपने बहुत ही ज्यादा कॉमनली सुना होगा, आयुर्वेदा में इतनी ज्यादा इनसे मेडिसिन फॉर्म होती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन फॉर्म करते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। थर्स इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज दैट दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स। अब देखो टेरिडोफाइट्स ज्यादा हाइट में लंबे नहीं होते हैं, हमने जरूर पढ़ा है कि मतलब टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो दिखते हैं आंखों से, इनके पास ट्रू स्टेम रूट एंड लीफ होती हैं, बट ये ग्राउंड से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ग्राउंड से ज्यादा ऊंचे नहीं है तो फिर ये जमीन को लगे हुए हैं, जमीन को लगे हुए हैं तो ये सॉइल को क्या है बाइंड करके रखते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स के केस में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट एक मैट फॉर्म कर लेता है सॉइल के ऊपर, ब्रायोफाइट फॉर्म अ मैट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सॉइल जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं कर पाता, ठीक है, कवर करके रख लेता है बेसिकली। वैसे ही टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स की तरह नहीं होते, ब्रायोफाइट्स तो बहुत ही ज्यादा जमीन को लगे होते हैं, वो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर चले गए क्योंकि उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ऊपर वाले जितने भी सेल हो जाएंगे वो मर जाएंगे। इसी वजह से ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। टेरिडोफाइट्स हाइट में ग्रो करते हैं एंड दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स क्यों, क्योंकि ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, क्यों बाइंड करके रखते हैं, कैसे बाइंड करके रखते हैं, बिकॉज ये जमीन को लगे होते हैं। नाउ एज वी नो चाहे कोई भी फर्न है, फर्न्स मेरे तो बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों, क्योंकि बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है। आइदर यू टॉक अबाउट द रैटल स्नेक फर्न एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और इट इज द ऑस्ट्रिच फर्न, और इट इज द ब्रैकन फर्न, और इट इज द एस्पैरगस फर्न, और इट इज आइदर इट इज ड्रायोपटेरिस, इट इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, और एक्टिनोपटेरिस, दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या होता है, ज्वेलरी, ज्वेलरी कोई क्यों पहनता है सुंदर दिखने के लिए। वैसे ही जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं दीज आर द डेकोरेटिव प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स रियली हैव वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेकोरेटिव प्लांट्स जिनको डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जिनको ऑक्सीजन लेने के लिए भी यूज किया जाता है, जिनको सॉइल बाइंडर्स की फॉर्म में भी यूज किया जाता है,
और हमें पता है कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं हमें क्या देते हैं, मेडिसिंस भी प्रोवाइड करते हैं. टू द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.